press the bell icon on the YouTube app and never miss an. पर यहाँ पे जो लोग हैं, like the people that are here, वो हैं ना इस तरीके के पागल. अब आप खुद देखें ना UK में कौन है भाई. मुझे तो समझ में नहीं आता कि इन लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है कि रोजाना निकल के वहां जा करो, ये रोजाना प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं. एक जिसके पास जॉब हो, घर हो, बच्चे हो, लाइक वो नहीं कर सकता ये काम. अनलेस ये भी तो जॉब है, ये भी तो जॉब ही है, ये जॉब है. नहीं सीरियसली ये जॉब है और इनको इसके लिए पैसे दिए जाते हैं कि आपने रोज जाके 4 घंटे वहां पे नौटंकी करनी है और उसके पैसे मिलते हैं. क्योंकि ये ओवरसीज पाकिस्तानी ना जिनके पास कोई काम धंधा कुछ नहीं है करने के लिए, घर में खाली बैठे हुए, इनको पीटीआई इस चीज में बहुत तेज है, अपने सोशल मीडिया चलाने में भी और इस तरह के लोग जमा करने में भी. तो सुनने में यही आया कि इन लोगों को फंड किया जाता है और इसलिए ये रोज निकल के, और पर डे कुछ है इनका ये जो इन्हें पेमेंट होती है, तो ये पर डे पहुंच के. वैसे तो यहाँ पर भी यही होता है, जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं सब कुछ होता है, उसमें पैसे देकर ही तो लोगों को लाया जाता है. या फिर कहते हैं वो नान देंगे, पराठे देंगे और इस या बिरयानी खिलाएंगे, उस पे आते हैं बिरयानी पे कुछ पहुंच जाता है. बिरयानी मुझे भी बिरयानी दे दो, मैं भी पहुंच जाऊंगी. मैं भी पहुंच जाऊंगी बिल्कुल, दो नारे भी लगा लूंगी. लेकिन ये कि इन्हें भी यूके वालों को और ये जो बाहर निकलते हैं ना लंदन वंदन में, इन्हें भी सुना है कि पेमेंट्स होती हैं. अच्छा वाओ. नहीं तो हमें तो मगर ये खैर ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे बाद में पूछना था, मगर मैं ये पूछ रही हूँ कि हमें अक्यूज किया जाता है, यू नो इन पाकिस्तान की तरफ से बोला जाता है कि रॉगी एजेंट है, राइट. तो फिर चंद इंडियंस बोलते हैं कि नहीं ISI की एजेंट है, और फिर हमको बाकी सारे जो मुसलमान है वो कहते हैं ये जो है यहूदी एजेंट है. तो मुझे तो ना किसी में अभी 1 रुपया नहीं भेजा है, यानी अगर कोई आ रहे होते पैसे तो मुझे तो यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं होती, फिर मैं भी बाहर निकल के कोई झंडा निकाल के घूम रही होती किसी का. और आपको भी इल्जाम लगते हैं ना, मैंने आपको भी देखा है, आप भी इल्जाम लगते हैं. नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इल्जाम लगते. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर. तो आज हम आपके लिए एक लाजवाब वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको अंत में मिलेगी. तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दें. तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं. जय हिंद जय भारत. तो बिकॉज आई एम श्योर के मेरे पेरेंट्स जहां भी हैं वो मुझे देख रहे होंगे और वो हैरान ही हो रहे होंगे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को तो पक्का यकीन था इसके पास जो है ना ऊपर फ्लोर खाली है. तो इसलिए मुझे तो हमेशा वो कहते थे इसके लोग अकलमंद होते हैं, इसकी अकल बंद है. तो मुझे हमेशा यही समझा जाता था. तो आई एम श्योर कि अगर वो होते मेरे पेरेंट्स इस वक्त, तो वो बहुत खुश होते और बड़े हैरान भी होते कि अच्छा मतलब ये रॉकी एजेंट भी है, ये ISI की एजेंट भी है, यहूदियों की एजेंट भी है, इतनी टैलेंटेड है, हमें तो पता ही नहीं लगा. तो इन लोगों को बोलने दें, और इन लोगों की वजह से ही जो है वो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को भी थोड़ी आदत हो गई है सब कुछ सहने की. हाँ नहीं मैं तो बस एक मैं ये सोचती हूँ ना कि जो लोग सोचते हैं, क्योंकि आई बिलीव जब मैंने मिस पाकिस्तान किया था ना तो उस वक्त मुझको नहीं पता था कि मीडिया क्या चीज है, जिस किस तरीके से नैरेटिव चलाया जाता है, किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है. तो उस वक्त जो मैंने सीखा है उस दिन से, हाउ द होल न्यूज वाज मेड, मेरी तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ के साथ वो पूरी न्यूज वगैरह जो बनी थी, तो उस वक्त मुझे समझ में आया था कि हाउ दे कैन मैनिपुलेट एंड स्टार्ट अ नैरेटिव एंड यू नो गो फ्रॉम देयर. मगर दूसरी बात यह है कि जो देखने वाले हैं उनका दिमाग कितना है, ये भी तो है ना कि जो देखने वाले उनका दिमाग कितना है, एंड कैन दे नॉट सी इट देमसेल्व्स, कॉमन सेंस. अच्छा तो ये मैं वीडियो यहाँ पे मैं चलाना चाह रही हूँ. लेट्स सी ये हमारे पाकिस्तान के ये रियासत मदीना वाले इमरान खान है. रियासत मदीना में नया ट्रेंड आया है, मर्द बुरका पहनेंगे, बस मर्द ने अपनी शक्ल कवर करनी है. तो ये नया ट्रेंड देखिए अब आप. इतना डर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं बहुत ज्यादा डर है, मुझे नहीं पता. ठीक है थोड़ा बहुत डर हर एक में होता है. मैं भी जब इन मौलवियों को बोल देती हूँ ना, बाहर निकलती हूँ गाड़ी लेके, कोई बाइक वाला जाता है तो मैं भी थोड़ा सा ऐसे देखती हूँ कैसे ऐसा ना कोई गन चन निकाली है उसने. तो यहाँ पे तो क्योंकि ये भी होता है ना कि आप गाड़ी में जा रहे हैं तो बाइक वाला आएगा और मार के चला जाएगा. तो थोड़ा सा मैं भी एहतियात करती हूँ जब मैंने इस किस्म की कोई बात की हो या कोई चीज ऐसी वायरल हो गई हो. लेकिन इतना डर फिर भी नहीं लगता है कि वो ऐसे करके बाहर निकले. आई डोंट नो इमरान खान जो है वो इतना ज्यादा क्यों डरे हुए हैं. और दूसरी बात ये कि वो तो
कहते हैं मेच्योर और समझदार आदमी है, उनको पता होना चाहिए कि अगर किसी आपने आपको किसी ने मारना है, अगर वो एजेंसीज में से है, चाहे वो आपकी फौज हो, चाहे आपके एस्टैब्लिशमेंट जिसे कहते हैं वो हो, या फिर कोई टेररिस्ट ग्रुप हो, तो वो तो मार ही देते हैं, उनसे तो बचना पॉसिबल नहीं होता। वरना आपने देखा जावलक का भी देखा आपने, जो प्लेन क्रैश हुआ था, और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का भी देखा है कि किस तरह से फांसी हुई है, तो इन सब लोगों को यानी हमने पढ़ा है, और बेनजीर भुट्टो का देखा और कई लोगों का। तो अगर उन्होंने मारना होता है तो वो तो नहीं छोड़ते भाई, वो तो कहाँ कहाँ बाहर जाके भी मार देते हैं किसी भी कंट्री में। तो अब तो वो भी नहीं रहा कि पाकिस्तान से भाग जाएंगे तो बच जाएंगे, तो कहीं भी नहीं छोड़ते। तो इसलिए यू कैन अंडरस्टैंड, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इमरान खान को इतना भी ठीक है थोड़ी बहुत कर ले, लेकिन इतना ज्यादा खौफ जो है वो बहुत अजीब लग रहा है देख मैंने तो कर। आज से किसी भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सर के ऊपर वो पहने हुए कभी आज तक नहीं देखा, ये निराला ही है। मगर एट द सेम टाइम जैसे आपने कहा कि अगर किसी को अगर आप टारगेट में हैं राइट, और अगर जैसे अरेस्ट करके कुछ करना है, आप ट्रंप को देखो, मैं उस पर भी थोड़ा सा रिसर्च वगैरह कर रही थी कि किस चार्जेस पे उसको अरेस्ट किया है, मगर जो भी है उसके अगेंस्ट जिस तरीके से भी गेम खेला जा रहा है वो कर देंगे, डजंट मैटर। अगर आपको लेके जाना है ना उन्होंने अंदर, वो कुछ ना कुछ करके आपको अंदर कर देंगे या आपको उड़ा देंगे अगर उड़ाना है तो। हाँ, मगर फिर हमें सवाल ये पूछना चाहिए कि किसी ने अभी तक क्यों नहीं उड़ाया है। सब सर पे मारे गए। मुझे से वो अमिताभ बच्चन साहब की एक मूवी याद आ रही है, आखिरी रास्ता, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं। उसमें लास्ट में वो उन्होंने किसी को मारना होता है तो वो भी कोई पॉलिटिशियन होता है, वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है बुलेट प्रूफ पहना दिया, सब कर दिया, वो कहते हैं लेकिन अगर इधर मार दिया तो क्या करेंगे। तो वो इमरान खान ये बचा रहे, बाकी पूरे खुले हुए हैं, ठीक है, बॉडी में बाकी है ना, क्योंकि वो दूसरे बेचारे मरेंगे ना पहले, फिर उनको लगेगी गोली। और इमरान खान के पास ये खबर भी चली जानी चाहिए कि 2 दिन पहले केपीके में 2 पुलिस वालों को गोली मारी गई और दोनों ने बुलेट प्रूफ पहनी हुई थी, और उस बुलेट प्रूफ में से क्रॉस कर गई है बुलेट। कैन यू इमेजिन कि बुलेट प्रूफ में से बुलेट क्रॉस कर गई है। अब मुझे मतलब जिसने मुझे खबर दी, मुझे अफसोस तो हो ही रहा था, लेकिन मुझे साथ हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा ये क्या बात है। तो ये इस किस्म की तो बुलेट प्रूफ है, तो इमरान खान को सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि ये भी उसी के सब की, और 2 दिन पहले की खबर है, और बिल्कुल गूगल करके कोई भी चेक कर सकता है। ये तो हाल है, 2 नंबर की बुलेट प्रूफ भी पाकिस्तान में। आप देखिए कैसे कितने कितने लोग टारगेट में आए हैं, उन लोगों को हमेशा इन्हें देखा गया है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। मगर पाकिस्तान में मरवाना या कहीं भी अब तो मरवाना किसी को, इट्स नॉट अ बिग डील। आपने भी जो इतने जर्नलिस्ट जो थे जिनकी डेथ हो गई थी, क्या नाम है, अरशद शरीफ, तो वो भी वो कहाँ पे थे, सो इट्स जस्ट नॉट के क्या है। तो थोड़ा सा इमरान खान के उससे हटते हैं, उससे पहले ये आपने जो बात की थी अर्लियर में उसको जरा शेयर करती हूँ आपके साथ कि किस तरह से हमने दूसरों को तकलीफ पहुंचाएंगे, बट यू नो वी आर गोइंग टू डू व्हाट वी हैव टू डू। ये वाली जो है आप देख सकते हैं, ये रेलवे रोड पे, आई होप यू कैन सी इट, जो नमाज पढ़ी जा रही है यहाँ पर। ये देखो बीच रस्ते में, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड साइड पे क्यों नहीं कर सकते आप, ये देखें। और पुलिस यहाँ पे इनको प्रोटेक्शन दे रही है यहाँ पर ये करने की। सो इट्स जस्ट कि हमारे लोग भी तो अकोमोडेट कर रहे हैं ना इस चीज को, लाइक आर पॉलिटिशियंस यहाँ पर भी कर रहे हैं, यू नो दे आर अकोमोडेटिंग एवरीथिंग। तो ये अपनी गलती भी तो है ना, हम लोग भी तो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर कोई कुछ कहेगा तो फिर कहेंगे लो जी हम तो इबादत कर रहे थे आपने ऐसे कर दिया। इबादत करने के लिए जो है वो मस्जिद मौजूद है और जगह है, ये थोड़ी का रोड पे बैठ जाएंगे। और पता नहीं इंडियन मुस्लिम्स ही ऐसे क्यों करते हैं, मुझे बहुत हैरत होती है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में ऐसे मैंने कभी नहीं देखा कि कोई इस तरह से रोड ब्लॉक करके बैठ जाए या कोई इस किस्म की चीज हो, लेकिन इंडिया में ये चीज अक्सर अक्सर देखने में आती है। आरजू जी, मैं काफी अरसे तक आई स्टडी इन पाकिस्तान ना, तो हमारे स्कूल में कभी मैंने कोई प्रेयर रूम नहीं देखा। हम लोग 2 बजे हमारा स्कूल खत्म हो जाता था, सुबह जाते थे, आई बिलीव इट वाज लाइक अबाउट 8, कभी किसी को मैं नमाज ही नहीं पढ़ते हुए देखा था वहां पर। यहाँ आकर स्कूलों में इनको प्रेयर रूम चाहिए, उनको जुम्मे की नमाज पढ़नी है, सबने इकट्ठी पढ़नी है, यू नो। तो ये जो चीजें है ना, आई डोंट अंडरस्टैंड की जो चीजें पाकिस्तान में भी नहीं है वो आकर यहाँ पे इम्पोज करना, हाउ फेयर इज दैट टू द अदर कंट्री। और फिर यहाँ के पॉलिटिशियंस करते भी हैं, सो क्या कहा जाए, दिखावा ज्यादा है ना, ज्यादा शो ऑफ ज्यादा करते हैं। आई थिंक उनको ऐसा लगता है कि अगर हम पाकिस्तान नहीं है, इस्लामिक कंट्री में नहीं रह रहे हैं, तो हम अपने
रिलीजन से दूर हो जाएंगे, वो आइडेंटिटी क्राइसिस, पहले तो यही आइडेंटिटी इनको क्राइसिस रहता है पाकिस्तान में रहते हुए, इनको समझ में नहीं आता कि हम टर्क से आए हैं, ईरान से आए हैं, या हम पता नहीं कहाँ पाकिस्तान से आए हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं और से जोड़ते रहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार हैं, हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हम ऐसे आपके लिए नई वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अगली वीडियो पर फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।